वेलकम बैक टू द ब्लॉग चैनल इंदौरी ब्लॉग्स। होप करता हूं सारे भाई लोग बहुत अच्छे होंगे, ज्यादा खुश होंगे, ज्यादा मजा होगा तुम्हारा भाई की तरह और अभिषेक भाई की तरह। तो अभिषेक भाई अपनी पब्लिक को बताओ, अपन कहां पर आ गए आज? तो गाइस अपन आ चुके हैं इंदौर की चौपाटी, जो फेमस चौपाटी अपनी मैदो चौपाटी। और यहां पर आपको है ना, आपने सोचा नहीं होगा ऐसे दो सैंडविच आपके लिए लेके आए। आज मैं सस्पेंस रखें उसको कि बता, ऐसा कर लो सस्पेंस रखते हैं। सबसे पहले दुकान का नाम देख लो और आप सस्पेंस रखो, तब खुद ही मेकिंग देखो, उसके बाद में भैया खुद ही बता देंगे कौन कौन सैंडविच बनाए खिलाने वाले अपने को। अगर लोकेशन की बात करो तो सामने बिल्कुल जस्ट सामने दिख रहा है मेघदूत गार्डन का जो एक बोर्ड लगा हुआ है वो, ये सामने मिक्की माउस वगैरह वॉल वगैरह लगी है। उसके जस्ट सामने भैया का फास्ट फूड का है, यशवंत फास्ट फूड के नाम से। यहाँ पे भैया के यहाँ बहुत यूनिक प्रकार की चीज़ें मिलती है। अपन चलते हैं भैया के पास में, सारी मेकिंग देखते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कि भाई टेस्ट कैसा है, जो चीज़ हम आपको आज बताने वाले हैं। गाइस अपने यहाँ पे भैया क्या लगा रहे हो आज? चाउमीन सैंडविच बना रहे हैं। क्या बात है, बहुत यूनिक स्टाइल है। और भैया क्या किस कंसेप्ट के साथ में आपने ये चीज़ बनाई है? सर सैंडविच लाइन में अपन काफ़ी टाइम से, तो अपन उसका कुछ डिफरेंट लेकर आया था। अपन यहाँ पर चाउमीन सैंडविच और भेलपुरी सैंडविच यूनिक सैंडविच लेकर आया। क्या बात है, दोनों सैंडविच आपको ट्राई करने को मिलेंगे। सबसे पहले भैया ने क्या डाल दिया इसमें? सर ये बटर का है। इसमें बटर कौन सी कंपनी का यूज़ करते हैं? सर डिलीशियस बटर है, डिलीशियस का है। ठीक है भाई, इसमें ऑयल यूज़ नहीं हो रहा है। ये भैया ने डाल दी थोड़ी सी वेजिटेबल्स, इसमें देख सकते हो आप लोग पत्ता गोभी है, गाजर है, शिमला मिर्च और प्याज है। भैया कितने देर तक छोटे होगा ये? सर बस दो मिनट छोटे होगा ना। ठीक है भाई, ये सोटे हो चुकी है। अब इसमें डाल रहे हैं भैया नूडल्स और मंचूरियन के कर रहे हैं पीसेस। क्या बात, मतलब बहुत अलग चीज़ खाऊंगा भाई मैं और देखना चाहता हूँ। बाकी तो फेवरेट चीज़ में से एक चीज़ है चाइनीज़ भी, कि चाइनीज़ भी काफ़ी अच्छा लगता है अपने को। तो स्वाद तो ऑब्वियसली बात है कि अच्छा आने वाला, बट एक अलग सा क्या आने वाला वो देखने वाली चीज़ है। कौन कौन से मसाले डाल रहे हो भैया, जरा पब्लिक को बताते हैं ना। अजीनोमोटो, ओके, वाइट पेपर गया, चाट मसाला भी चले गया, ये केचप हो गया ना, सोया सॉस अब इसमें डल चुका है भाई, सोया सॉस ये आ गया भाई, इसमें हल्का चिली सॉस, ये विनेगर, ये इसका नाम तो मेरे को पता है। मैंने अच्छे तरीके से कर दिया इसको मिक्स। हाय हाय गजब, ये खुशबू के लोग दीवाने हैं भाई, क्या गजब की खुशबू आती है यार। देखो आ रही है भैया खुशबू, आ रही है, क्या बात है। ये भी साइड में गड़े गड़े देख रहा है। अब हो चुका है एक दूसरा प्रोसेस चालू, ये सैंडविचेस का प्रोसेस है ना भाई। हाँ सर, ये आ गया बटर, ये बटर आ गया ब्रेड के ऊपर। भैया आपकी शॉप की टाइमिंग की बात करें तो क्या टाइमिंग रहती है? सर सुबह मॉर्निंग से 12 से 11 ओ, कभी ऑफ वगैरह भी रहता है या सातों दिन? सातों दिन इमरजेंसी रहती है तो बंद रहता है, अदरवाइज सातों दिन चालू रहता है। और ये सैंडविच की क्या प्राइस है भैया? मात्र 50 रुपये सर, मात्र 50 रुपये का सैंडविच है। इसमें लगा दी मैंने ग्रीन चटनी। ठीक है आ रहा है भैया? सर लिक्विड चीज़ है, लिक्विड चीज़ आ रहा है, क्या बात है। अब ये पूरा प्रोसेस चले जाएगा इसके ऊपर। क्या बात भैया, ये अभी बेक भी होगा क्या? हाँ सर। क्या बात है भाई, अब टोस्टर में होगा ना? टोस्टर में होने वाला अभी है। मसाले थोड़े से और मसाले डाल रहे भैया ऊपर से। भाई इसमें चीज स्लाइस भी जा रही है। भैया एक बार प्राइस और बताओ। मात्र सर 50 रुपये। 50 रुपये प्राइस है भाई, 50 रुपये प्राइस है भाई, सैंडविच के प्राइस 50 रुपये रहते हैं यहाँ पर। और काफ़ी लोडेड सैंडविच है, 50 रुपये में भैया चीज़ स्लाइस भी डाल रहे हैं साथ में, पूरा चाइनीज़ भैया ने दोनों मिक्स चीज़ें चाइनीज़ की डाल दी है उसमें, उसके बाद में भैया ने ब्रेड भी लगाई है भाई। मतलब आप सोच सकते हो इतना चीप चीज़ है ये, और टेस्ट देखने वाली कितनी कैसा क्या आने वाला है टेस्ट। लगने जा रहा है इसके अंदर बटर की क्वान्टिटी भी अच्छी खासी यूज़ कर रहे हैं भैया, ऐसी बात नहीं है। देखो भाई दोनों साइड बटर लगा दिया भैया ने अच्छे से। तो कितनी देर तक बेक होता है भैया ये? तीन मिनट में हो जाएगा। ओके, वैरायटी की बात करें तो वैरायटी देख सकते हो आप लोग भैया के यहाँ पर बहुत सारे प्रकार की वैरायटीज़ है, सारी चीज़ें, पास्ता, क्रिस्पी कॉर्न, पिज़्ज़ा रोल, सब सारी चीज़ें, मतलब एक तरीके से आप यहाँ पर आओगे सारा फास्ट फूड आप लोगों को खाने को मिल जाएगा, और आपकी मनपसंद मैगी भी यहाँ पर मिलती है भाई। सैंडविच हो चुका है डन, अब भैया निकाल रहे हैं इसको। क्या बात, देखो कितने प्यारे तरीके से बेक हुआ है, कितना अच्छा कलर आ चुका है इसका। भैया के यहाँ पर आकर आप लोग बोलना चाउमीन सैंडविच खिला दो भैया, ये अलग चीज़ जो चीज़ है वो आप लोगों को खाने को मिल जाएगी। तो मात्र 50 रुपये प्राइस है, तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस है इसका भाई। हमें जा रहा है भाई प्लेट के अंदर। अच्छा डेकोरेशन भी होगा क्या थोड़ा बहुत इसका? हाँ सर, ऊपर कैसे देखो भाई, सर्व करने का तरीका भी भैया का अच्छा है, अच्छा खासा सर्व कर रहे हैं भैया। ये देखो कितने प्यारे तरीके से भैया ने सजा दिया इसको, ऊपर से आ रहा भाई केचप
अब ऊपर से क्या है, ये मायो भी आ गया भाई। किस किस को फेवरेट है भाई मायो बता देना, आपने को ज़्यादा खासा पसंद नहीं है मायो, चीज़ पसंद है अपने। ये ग्रीन चटनी भी दे दी मेरे साइड में और टमाटो केचप भी दे दिया है, हल्का सा ऊपर चाट मसाला, ये चाट मसाला डाल दिया। ये हो चुका है भैया रेडी? क्या बात है, अपने पास में आ चुका है चाउमीन सैंडविच, इसको ट्राई कर लेते हैं भाई कैसा क्या टेस्ट है। बढ़िया तरीके से भैया ने बटर बटर में बनाया है, भाई अंदर पूरा जो टेस्ट आ रहा है पूरा चाइनीज आ रहा है। जो ऊपर से भैया ने चीज़ें डाली है, मतलब जो सॉस वगैरह है, जो मसाला डाला है, वो एक तरीके से लुक दे दी है सैंडविच का। आपको थ्री इन वन चीज़ खाने को मिलेगी, नूडल्स प्लस मंचूरियन प्लस सैंडविच, तो तीनों का टेस्ट आपको एक चीज़ में मिल जाएगा। तो आप लोग एक बार आके ट्राई कर सकते हो, बहुत बढ़िया चीज़ है। 50 रुपये में आप लोगों को इससे बेटर चीज़ कहीं यूनिक चीज़ खाने को नहीं मिलेगी। चलते हैं भैया के पास में दूसरी चीज़ स्टार्ट करते हैं। भाई यहाँ पे लगने जा रही है अपनी, सबसे पहले भेल बना रहे हैं ना भैया, सबसे पहले भेल बन रही है। भैया ने टमाटर कट कर लिए और प्याज भी आ गए, क्या बात है भैया, चॉपिंग अच्छी है आपकी यार, टैलेंटेड आदमी हो आप भी, क्या बात है। अब क्या आ गया, गाजर, भाई गाजर भी आ चुकी है इसमें, क्या बात। अब आ रहा है अपना नशीली पत्ती है ना भैया, नशीली है हाँ। नशीली पत्ते खिला रहे हो आप, क्या बात है। देख लो भाई कोई नशे वशे करता ना तो आ जाना यार, मजाक कर रहा हूँ भाई। अब क्या डाल रहे हो भैया, ये जीरा बन, ये भी इंदौर की जान है भैया, ये चाट मसाला आ गया, क्या बात। ये मुरमुरे आ गए, सेव परमल, तीखे परमल भी जाएंगे, क्या बात है। ठीक है, सेव इंदौर की जान सेव, और ये आ गई है थोड़े मिक्सचर, चरखा मिक्सचर, मीठा मिक्सचर। मतलब भैया की दुकान में जितने भी सारे आइटम सारे डल जाएंगे इसके अंदर, है ना भैया। सो कौन सी भेल बोलते हैं भैया, इंदौरी भेल है, क्या बात है। ठीक है, आ गया कम कम, ये क्या चीज़ है, मीठी चटनी है, ये बढ़ा दो, क्या बात, अगर तीखा ज़्यादा खाना। ये आ गया सैनिटाइज़र, अभी हो जाएगी मिक्स, अब इसका सैंडविच बनने जाएगा ना भैया, चलो इसका सैंडविच बनते हो दिखाते हैं आपको। लगने जा रहा सैंडविच, तो ये सबसे पहले भैया ने लगा दिया बटर, जो कि भैया डिलीशियस का यूज़ करते हैं। अब इसके ऊपर आएगी ये इंदौरी भेल, अच्छा अभी चटनी भी जाएगी, चटनी जाएगी, चटनी काफ़ी अच्छी है भैया, बहुत टेस्टी चटनी आपकी, धन्यवाद सर, क्या बात है। चटनी लगे दोनों ब्रेड्स पे, मैं चटनी का भैया टेस्टिंग के दौरान बताना भूल गया था। ये आ गई भाई इंदौरी भेल, क्या बात है, भेल सैंडविच लगने जा रहा है भाई, किसी ने खाया हो तो बताना भाई। मैं उसको भेल सैंडविच, इतनी भेल डल चुकी है भाई इसके अंदर, इतनी डलती है ना भैया, सफिशेंट है इतनी, ये तो भाई ज़्यादा डालेंगे तो बाहर चली जाएगी फिर भेल। हल्का सा केचप, केचप भैया, ठीक है चलो। और इस सैंडविच की प्राइस करो तो क्या रुपए प्राइस है भैया, 40 रुपये सर, अच्छा 40 रुपये प्राइस है, क्या बात है भाई। 30 रुपये की तो भेल डाल दी भैया ने इसके अंदर, जीरा वन डल गया, चाट मसाला डाल दिया, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दिया, ग्रीन लोगा ये भी ग्रीन लोगा बटर में, हाँ सर, क्या बात है, ये पैक हो गया भाई, औसम, बहुत सॉलिड चीज़ है ये भी। भैया पहले हल्का सा जो सैंडविच रहता है उसको थोड़ा सा ग्रिल करते हैं ताकि वो थोड़ा क्रंची टाइप हो जाए, क्यों भैया, हाँ सर। 2 मिनट पहले ये ग्रिल होगा, फिर उसके बाद में भैया उसमें डालेंगे बटर। आप ये क्या बोल रहे थे आप कि अपने को ये सैंडविच का नाम क्या दे देना चाहिए, इंदौरी सैंडविच है ना, इंदौरी सैंडविच है, क्योंकि इंदौर में बहुत ज़्यादा भेल प्रसिद्ध है, क्यों भाई सैंडविच का नाम हमने आज से दे दिया क्या, इंदौरी सैंडविच दे दिया हमने भाई। सैंडविच में लगने जा रहा बटर, 2 मिनट हो चुके थे ग्रिल होते होते, दोनों साइड लगा दिया भैया बटर है ना, हाँ सर। अब 3 मिनट तक ये भी बेक होगा सर, 1 मिनट में सही, 1 मिनट में हो जाएगा ना, ठीक है भाई, हो चुका अपना सैंडविच रेडी। ओहो क्या बात है, क्या शानदार तरीके से दुल्हन की तरह निकल गया ये, और खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है, शादी के खाने जैसी, गजब। एक कट हो चुका 4 पीस में, इसको भैया बढ़िया तरीके से सजाएंगे अभी,
सर्व करने का तरीका बढ़िया बढ़िया है भैया का यार। देखो भाई भेल ऊपर से झाँक रही है बिल्कुल। इंदौरी ट्रू फैंस, क्योंकि इसमें इंदौर के जितने भी भाई क्या बोलते हैं अभिषेक भाई, हीरा मोती डले जवाहरात डले हुए इसके अंदर। क्या गई इंदौरी चान, इंदौर की केसर और ऊपर से हल्की सी भेल भी आ गई। गजा आप नाइस, थोड़ा सा ग्रीन चटनी, थोड़ा सा केचप। ये हो गया रेडी, क्या बात है। अपन ने भैया कैसे ले लिया है भेल सैंडविच है ना भैया, हम लोगों ने इसको नाम दे दिया इंदौरी सैंडविच के नाम से। अगर आप चैनल पे नए हो तो इंदौरी सैंडविच, अगर भैया अपने चैनल पे पुराने हो तो आपको मालूम होगा कि अपन नई नई चीज़ों के नए नए नाम देते रहते हैं। इसको टेस्ट करते हैं और पहले आप बताओ कि अगर आप लोगों को ज़्यादा हैवी नहीं खाना है तो ये चीज़ आपके लिए मैं पहले ही प्रिपेयर कर रहा हूँ टेस्ट करने के पहले, क्योंकि ये बहुत लाइट है हाथ में पकड़ने से मालूम चल रहा है। तो टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा का टेस्ट आने वाला है। भाई सेकेंड बाइट में मेरे को आया भेल का टेस्ट, उतना जानदार टेस्ट आया कि एक्चुअल में मैं भेल खा रहा हूँ। उससे पहले मैंने कहा, मैंने आपको पहले बताया था कि जो चाउमीन वाला था उसमें पहले सैंडविच खा रहा था टेस्ट, फिर बाद में और खाया उसको, उसमें मैं नूडल्स और मंचूरियन का टेस्ट आया। उसमें भी सेम प्रोसेस है, सेम चीज़ है भाई, बहुत मतलब ओपी चीज़ बोल सकते हैं ना, यूनिक चीज़ बोल सकते हैं, ओपी चीज़ बोल सकते हैं। तो ये चीज़ है 40 रुपये बर्थडे टेस्ट के लिए, आप लोग एक बार आना। और लेकिन चौपाटी पर यशवंत पिज्ज़ा और यशवंत सैंडविच सेंटर पर आना और आप लोग एक बार विजिट करना, आपको दोनों आइटम मजे आएंगे। कोई पिज्ज़ा सैंडविच खा के तो बड़ा मज़ा आया। अगर आप लोगों को वीडियो देख के मज़ा आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और अभिषेक भाई का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी जाकर सपोर्ट वगैरह सब कुछ कर देना। और अपना ब्लॉग चैनल का लिंक भी उसी में है, तो आप लोग उस पर भी जाकर सपोर्ट करो, ठीक है। उस पर भी अच्छी अच्छी वीडियोज आती है। चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सीजन बाय बाय, बाय 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 बाय।